दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड डिलीवर्ड हो चुका है। आज की इस वीडियो में आप देख सकते हो इसके अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं, जो कि नया लुक के साथ में आपको न्यू कार्ड पेवीसी के साथ में देखने को मिलता है। इसकी डिजाइनिंग काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आपको कुछ डिटेल्स दिख रही है कार्टून टाइप में, और इस बॉक्स में आपको एक लिफाफा मिलता है जिसमें कुछ लिखा रहता है डिटेल्स कि आपको बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके से आपको पीवीसी का कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसकी लुकिंग काफ़ी हार्ड है, अच्छी क्वालिटी का कार्ड यहाँ पर बना हुआ है। पहले क्या होता था कि यह पोर्ट्रेट में आता था, अब लैंडस्केप में इसको जो है यहाँ पर चेंज कर दिया गया, नया अपडेट आया है। पीछे आपको एड्रेस देखने को मिलता है, साइड में क्यू आर कोड देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा डिजिटल लग रहा है देखने में। और इसके बाद करें कितने दिन में आपके घर के एड्रेस में आता है, तो बेसिकली देखिए जब आप अप्लाई करते हो या फिर कहीं से अप्लाई करवाते हो तो 10 से 12 दिन लगते हैं। ये जो कार्ड है मेरे को 8 से 10 दिन के अंदर घर के एड्रेस पर स्पीड पोस्ट पोस्ट ऑफिस के थ्रू डिलीवर्ड हो जाता है। अगर आपका कार्ड नहीं आता है तो आप पोस्ट ऑफिस पर संपर्क कर सकते हो आपका नाम से कि यह कार्ड आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको कार्ड देखने को मिल जाता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी, इसकी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। पहले के मुताबिक जो कार्ड आता था पहले वो पोर्ट्रेट में आता था, और उससे पहले जो आता था वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट आता था, लेकिन अब काफ़ी कुछ अपडेट यहाँ पर आ चुका है जिससे आप वोटर जो कार्ड नया अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई पुराना वोटर आईडी कार्ड है तो उसको आप रीन्यू करवा सकते हो, और रिप्लेस में आप जो है नया कार्ड पा सकते हो। तो अभी अगर आप करते हो तो जल्दी अप्रूव हो रहा है, क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम इलेक्शन है अभी थोड़े दिन बाद, इसलिए ये जल्दी अप्रूव हो रहा है, मई में इलेक्शन है इसलिए। तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो, बाद में अप्लाई करोगे तो ये पेंडिंग में ही रखा रहेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन है इसलिए फास्ट वर्क यहाँ पर हो रहा है। इसको देखने के लिए आप वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके डाउनलोड भी कर सकते हो और नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है सिंपली, और कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक वीडियो है, अगर वीडियो हेल्प लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वायरी आपकी है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।